हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए यूपीपीएससी का सेट नंबर 6 है। 5 सेट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो टेस्ट है, ये सारे जो सेट हैं वो आपके इतिहास हिस्ट्री के संपूर्ण पोर्शंस को इसमें कवर किया गया है, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेली 10 बजे लाइव ज्वाइन करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, ताकि लाइव ज्वाइन करने से आप लोगों की आंसरिंग की कैपेसिटी बहुत बेहतर होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजा राम, जीजाबाई या ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व था वो था ताराबाई के हाथों में। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? दूसरे का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ताराबाई। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 2 बार हो गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? उपज का 1/2, उपज का 1/3, उपज का 2/3 या उपज का 2/5? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपज का 2/5। अगला प्रश्न, राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन डी, ताराबाई। अगला प्रश्न, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर दीजिए जल्दी से। हमारे जितने भी फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं, सभी फ्रेंड्स ऑनलाइन आंसर दें इसका। तो ऑप्शन ए, हवलदार। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी जरूर करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था कितना था? क्वेश्चन नंबर 7, कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था का कितना था? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, 40। अगला प्रश्न, मराठा सेना में बरगीर क्या था? पैदल सेना, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार या भिस्ती? 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, घुड़सवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? नायक, हवलदार, सरनौबत या जुमलादार? क्वेश्चन नंबर 9 का सही होता है आंसर ऑप्शन बी, हवलदार। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? तो 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न है, शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते थे? रिशाला, वर्गीर, सलाहदार या इनमें से कोई नहीं? 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीर। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो सही आंसर होगा अफगानों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानों ने। अगला प्रश्न है,
पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू तथा अकबर के बीच, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, या नादिर शाह या मुगलों के बीच? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने या रोहिलों ने? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानों ने। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने पराजित किया था? 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानों ने। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन सही होगा इसका, जल्दी से इसका आंसर बताइए, 1526, 1761, 1556 या 1857? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1761। 1761 में पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान नायक कौन था? नजीबुद्दौला, इब्राहिम गाजी, मुजफ्फर हुसैन या दोस्त मोहम्मद रोहेला? 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम गार्दी। अगला प्रश्न, मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे इब्राहिम खान गार्दी, मीर हबीब, खंडेराव दफदे या कन्होजी? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम खान गार्दी। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने वाली भारवर आम नाटकालिक कारण था, क्या कारण था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन को बदला लेना चाहता था, ये इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो उसका क्या नाम था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न, दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तोरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के रुतियाद के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूटसंदेश था, वह भारतीय शक्ति थी, कौन थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशवा। अगला प्रश्न, मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि धार्मिक विचार से यह उसे ठीक लगा, यही राजनीतिक दृष्टि से समायोजित था? वह अपने स्वयं के राज्य की सुरक्षित रखना चाहता था, उसे लूट से मिले धन में हिस्सा पाने की आशा थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नायक। अगला प्रश्न, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खां, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। अगला प्रश्न, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अली वर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? रघुजी भोसले, त्र्यंबक राय धवाड़े, रणोजी सिंधिया या मल्हार राव होलकर? 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुजी भोसले। अगला प्रश्न, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, जमादार, जुमलादार या नायक, घुड़सवारी? जल्दी से बताइए, 27, ऑप्शन डी, नायक। क्वेश्चन काफी कई एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ सिर्फ आप लोगों की क्लियर, आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो, सारे आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए। क्वेश्चन नंबर 28, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है?
तो 28 का कौन सा आंसर सही होगा? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति या उच्च नेतृत्व शक्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक जागृति। अगला प्रश्न, 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध नवाब, मराठे या अफगान। 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मराठे। अगला प्रश्न, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए, औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों के लिए, या क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए? 30 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। अगला प्रश्न, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी, कुतुब शाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रश्रय। 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। अगला प्रश्न, अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भटारी, शमशुद्दीन शावर या मोहम्मद खान? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला भटारी। तो हमारे आज के सेशन में जो क्वेश्चंस थे वो थे 32, और आप लोग डेली इन टेस्ट को ज्वाइन किया करें, क्योंकि जो टेस्ट हैं वो एक एक टॉपिक पर क्लियर किए गए हैं, और पूरी हिस्ट्री आपसे आपकी इसमें कवर हो जाएगी। आज का जो सेशन था वो 6वां सेशन था, और एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आपके लिए लाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और डेली 10 बजे होने वाले लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें।